चलिए गाइज, सिग्नल मिल चुका है। देखते हैं, सिग्नल है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो लेट्स पुट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए $100 की एक बिड जो है वो प्लेस कर दी है। सो वेलकम बैक एवरीबडी, मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइज, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑलिमट्रेड के एडवाइजर वाले ऑप्शन का कितना उपयोग है आपकी ऑलिमट्रेड की एप्लीकेशन में और कितना नहीं। जी हाँ, मतलब काम की है या बकवास है, सिंपल सी बात ये है। तो आज हम $1000 की ट्रेड लेंगे, मतलब पूरे $100 की 10 ट्रेड्स। जी हाँ, नुकसान होगा, फायदा होगा, डजंट मैटर, लेकिन इसकी सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आना जरूरी है। मतलब पूरा का पूरा लाइव टेस्ट होने वाला है और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है ये आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, मतलब आप यूज कर सकते हो या नहीं, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट पे कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप इस एडवाइजरी ऑप्शन पे रिलाई करते हो, सोचते हो कि ये ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और आपको कहीं और से सिग्नल लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका पूरा का पूरा सच आज आपके सामने आ जाएगा कि क्या हम इसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सारी चीज लाइव होने वाली है, तो लास्ट तक अगर आप देखोगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना भाई, मैंडेटरी है बोलना। और टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाना अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि भाई फिक्स टाइम ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स है, सारी इसी चैनल पे आपको सबसे पहले और बेस्ट मिलने वाली है। तो गाइस, पहली ट्रेड जो है वो हम विन कर चुके हैं जो हमने सिग्नल लिया था हमारे ऑलिम ट्रेड के एडवाइजरी ऑप्शन से। तो यार, सबसे पहले बता देता हूं, ये जो ऑप्शन है आप सभी के मोबाइल में नहीं अवेलेबल होगा। मतलब अगर आप ऑलिम ट्रेड में एज अ बिगिनर हो, $10 इन्वेस्ट किए हैं, तो आपके पास ये नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए। और दूसरी जो चीज है, इसका जो लेवल है, यहां पे देखेंगे आप तो यहां पे कुछ पीक्स होते हैं, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद आपको मिलता है ऑलिम ट्रेड का जो एडवाइजरी ऑप्शन है वो। जी हाँ, और एक और चीज बता देता हूं, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखेंगे आप यहां पे एडवाइजर्स पे, तो मेरे पास यहां पे अभी तक 3 जो है स्ट्रेटजी अवेलेबल है, लेकिन आपके पास ये 3 अवेलेबल नहीं होगी, आपके पास सिर्फ ऊपर वाली अवेलेबल होगी, द मूविंग एवरेज। ठीक है, मतलब बिगिनर्स के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है यहाँ पे ऑलिमिटेड के एडवाइजरी सिस्टम के पास, वो है द मूविंग एवरेज। और अगर आप थोड़े एडवांस लेवल पे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, तो यहाँ पे आपको 2 सिस्टम मिल जाएंगे, और MACD प्रोफेशनल और ये जो आपको नीचे मिलता है गेज वाला। ठीक है, तो अभी मैंने जानबूझ के द मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनके पास एक्सपर्ट स्टेटस नहीं होता है ऑलिमिटेड की एप्लीकेशन के साथ। और मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि कि पहले क्या करते ना, पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई क्या है इस सिस्टम के अंदर और मुझे लगता है कि यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब आपके सामने पूरी की पूरी किताब है, खुल के आ जानी है, मतलब सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। गाइज, वी गॉट द सिग्नल। तो यहाँ पे हमें जो सिग्नल मिला है वो मिला है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए फॉर 2 मिनट्स। तो मैंने जो सिग्नल है वो प्लेस कर दिया है, यानी ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। यार बताना आप लोगों को भूल गया था कि क्या हुआ था ना, कि यहाँ पे यूरो यूएसडी के पे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, करेंसी पेयर स्विच कर दिया। और लेट्स सी कि क्या होता है। 2 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने ट्रेड जो है वो प्लेस की है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है $100 की। तो गाइज यार, सिर्फ आप लोगों के लिए ना, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऑलिम ट्रेड का जो सिस्टम है वो रियली वर्क करता या नहीं करता। अगर मैं छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ दिखाता या फिर मैं डेमो अकाउंट के साथ दिखाता, तो आई डोंट थिंक कि वो वर्कआउट होती, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कमेंट करते हैं, सर बड़ी अमाउंट्स के साथ ट्रेड लो, सर लाइव अकाउंट से ट्रेड लो। इसलिए मैं लाइव अकाउंट से बड़ी बड़ी अमाउंट की ट्रेड लूंगा, 10 ट्रेड्स लेंगे हम यहाँ पे $100 की। तो मुझे लगता है इससे बड़ा टेस्ट नहीं हो सकता। $1000 यानी ₹70,000 दाव पे लगा रहा हूं, तो भाई लाइक कर देना यार, भाई दिल से रिक्वेस्ट है भाई, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आती है, और अगर नहीं पसंद आती ना तो भाई डिसलाइक कर देना। ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शन ज़रूर देना टुवर्ड्स दिस वीडियो और सारी वीडियोस के, अगर आप वीडियोस देखते हो ना, क्योंकि रिएक्शन ज़रूरी है यार, पता लगता है, एक फीडबैक मिलता है कि इन फ्यूचर क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती है। और आपको जो पता ही है, हमारा जो चैनल है हमेशा से ही कुछ नया और इम्प्रूव करने की चीज़ों को कोशिश करता रहता है। इन ट्रेडिंग के जो सिनेरियो है उसमें तो ऑफकोर्स कोशिश करता ही हूं कि ट्रेडिंग किसी ना किसी हद तक आप लोगों के लिए आसान करूं, और किसी भी सिनेरियो में, ऐसा नहीं सिर्फ ट्रेडिंग में, जैसे सिग्नल्स के मैटर में, हर किसी तरीके से आपकी जो ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूव और आसान करने की कोशिश हमेशा से करता रहता हूं। तो इसीलिए अप्रिशिएशन दिया करो यार, अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो यहां पर ये जो हमारी ट्रेड है ये अभी जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और अभी रिजल्ट्स बता देता हूं। एक ट्रेड अभी हम विन किए हैं और दूसरी ट्रेड ये लगता है हारने वाले हैं।
तो मूविंग एवरेज का भी सिस्टम अप्लाई कर रखा है मैंने, ठीक है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता लास्ट सेकंड तक. ओके, वी लॉस द ट्रेड. तो यहाँ पे रिजल्ट अभी हमारा हो गया है 1:1, यानी एक विनिंग है और एक लूजिंग है. दो ट्रेड अभी हमने ली हैं, एक लॉस एंड एक विन. ओके, नेक्स्ट ट्रेड पे देखते हैं क्या होता है. सो गाइज, वी गॉट द सिग्नल अगेन, और ये वाला सिग्नल भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, और अमाउंट जो है वो अगेन रहेगी हमारी $100, और मैंने जो है ट्रेड प्लेस कर दी है. करेंसी पेयर हमारा सेम रहेगा, और देखते हैं कि क्या होता है. चलिए आज करते हैं लाइव कमेंट्री, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ कमेंट्री लाइव, और काफ़ी अच्छा रिएक्शन देते हो आप लोग यार, और बहुत सारी कॉमेंट्स करते हो मुझे कि सर आपकी जो वॉइस है वो बहुत अच्छी है. सॉरी, मुझे अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, बट काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपको वीजे होना चाहिए, पता नहीं क्या, आपकी कॉमेंट्री अच्छी है. और ये भाई थैंक यू सो मच यार अप्रिसिएशन के लिए, बट ऐसा कुछ है नहीं भाई, ठीक है, आई डोंट बिलीव ऐसा कुछ है. बट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ना, मैं कंटेंट डिलीवरी में बिलीव रखता हूँ, वॉइस वगैरह में नहीं. ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस की थी, एंड व्हाट हैपेंड, अभी तो फिलहाल हमारी डायरेक्शन अपवर्ड ही जा रही है. तो यार एक चीज तो ऑफकोर्स पता लगती है कि ये सिस्टम इतना अफेक्टिव नहीं है जितना कि हमने सोचा था. जब ये सिस्टम आया था मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मुझे लगा था कि अब यूज़र्स की काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, मतलब अब एटलीस्ट 10 में से 6 सिग्नल तो विन करेंगे यार, मतलब अगर अनलिमिटेड का एडवाइजरी सिस्टम है तो. बट ऐसा हुआ नहीं किसी हद तक. देखो अभी हमने टोटल 3 सिग्नल लिए हैं, ये तीसरा है, और ऑलरेडी जो 2 सिग्नल का हाल है वो आपको पता ही है क्या हुआ है, और ये तीसरा सिग्नल है, लेट्स सी कि क्या होता है. बट अभी तक रिजल्ट हमारे नेगेटिव में ही है. होप्स हो कि हम विन कर जाएं, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ जब कोई ट्रेड हम प्लेस करते हैं ना, उसके लास्ट सेकंड तक हम नहीं बता सकते कि ट्रेड का रिजल्ट क्या होने वाला है. तो अभी काफ़ी नीचे जा चुकी है, लेकिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, और फ्लक्चुएशंस की वजह से नहीं कहा जा सकता है इस ट्रेड के बारे में कुछ भी. तो लेट्स सी कि क्या होता है. देख सकते हैं आप, ये जो कैंडल है रेड में फिनिश होगी या ग्रीन में फिनिश होगी, इसकी लड़ाई अभी जारी है. और अभी बचे हैं हमारे पास 2 सेकंड, 1 सेकंड, और भैया ये कैंडल जो है वो फिनिश हुई है ग्रीन रंग के साथ. या ओके, सो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कितने फ्लक्चुएशंस के साथ स्टार्ट हुई है, और हमारे पास अभी कितना टाइम बाकी है. तो हमारे पास अभी बाकी है सिर्फ 3 सेकंड, और भाई देखते हैं, ओके 2 सेकंड, और तुम्हारे भाई के एक बार फिर से $100 की लग चुकी है. चलिए गाइस अब आते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे, और देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहता है, और मतलब हम जीतते या हारते हैं नेक्स्ट ट्रेड. और गाइस इतना ज़रूर है इस वीडियो के लास्ट तक आपको इतना ज़रूर समझ आ जाएगा कि हमें एडवाइजरी ऑप्शन को यूज़ करना है या नहीं करना, फ़ायदा होता है या नहीं होता. क्योंकि हम जब 10 ट्रेड लेके देखेंगे ना, तो 10 ट्रेड से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा. 1-2 ट्रेड से नहीं होता, बट हम लेंगे पूरी 10 ट्रेड्स, वो भी $100 की, टोटल $1,000 का दाव है, ठीक है. और लेट्स सी कि क्या होता है. ओके गाइस, वी गॉट अ सिग्नल अगेन, और हमारा सिग्नल फिर से है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, और हमारी इन्वेस्टमेंट है $100 अगेन. तो एक बार फिर से हमने $100 पुट कर दिए हैं भगवान का नाम लेके. ओके, तो गाइस एक चीज़ है, काफ़ी सारे यूजर्स पूछेंगे कि भैया अगर मैं एक्सपर्ट लेवल पे हूँ या नहीं भी हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है, और मैंने जो इसके पर्क्स लेवल हैं वो मैंने, यानी कि जो इनके देखो स्केचूज हैं वो मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, और मैं काफ़ी अच्छे स्टेज पे हूँ, तो क्या मैं एडवाइजरी ऑप्शन को अनेबल कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ? तो आपका आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो. और उसके लिए देखो यहाँ पे आपको ऊपर ए जो बना है उस पर क्लिक करना है. उस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे नीचे लिखा है इजी टू स्टार्ट एडवाइजर्स, इस पर क्लिक करना है, और डायरेक्टली आप यहाँ पे से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी स्ट्रैटेजी आपके पास अवेलेबल है. मैं आपको सजेस्ट करूंगा द मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी बेसिक स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं ये लोग मूविंग एवरेज के साथ. यहाँ पे आप MACD प्रोफेशनल के साथ जा सकते हो या गेज के साथ जा सकते हो, ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजीज है अगर आपके पास ये चीज है तो. अदरवाइज मूविंग स्ट्रैटेजी के साथ भी जा सकते हो आप, लेकिन मुझे काफी अच्छे रिजल्ट इससे मिलते नहीं है जनरली. लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि आप लोगों को लाइव टेस्ट करके दिखाना चाहिए, तो यहां पे मैं आ चुका हूं लाइव टेस्ट लेके आप लोगों के लिए. बिकॉज अगर मैं सिर्फ ये बोलता आप लोगों को कि मूविंग एवरेज मैंने यूज की है लेकिन मेरे पास काफी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं मूविंग एवरेज को लेके, तो मजा नहीं आता यार, एक लाइव टेस्ट बनता है भाई. तो यहां पे एक चीज बता देता हूं, देखेंगे यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पे देखेंगे आप एक स्ट्रेटजी भी आती है रेडी टू गो. तो रेडी टू गो में देखेंगे बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं आपको. देखो यहां पे कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो एडवांस लेवल पे है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो एक्सपर्ट लेवल पे है. ये आप तभी ओपन कर पाओगे या अनलॉक कर पाओगे जब आपका
स्टेटस एडवांस होगा या फिर एक्सपर्ट होगा, और अदरवाइज ये आपकी जो है ब्लैंक ही रहेंगी, मतलब ये क्लिक नहीं होंगी इन स्ट्रेटजीज के ऊपर। तो अभी हमारी जो ये ट्रेड है कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ज़्यादातर पॉसिबिलिटी लॉस की ही है। लेट्स सी कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। जस्ट 7 सेकेंड्स और 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड गॉन। तो भैया अभी तक का हमारा रिजल्ट रहा है 3 OTM और 1 ITM, मतलब 1 पॉजिटिव ट्रेड और 3 नेगेटिव ट्रेड्स। चलिए नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं और पता लगाते हैं इसकी सच्चाई। भाई वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि यार वीडियो लास्ट तक देखोगे ना तो इसका पूरी चीजें आपको समझ आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि अब से हम सारी ट्रेड विन करने लग जाएं, तो हो सकता है आपका विनिंग रेशियो ज्यादा चला जाए और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए टुवर्ड्स दिस सिस्टम। तो हमेशा से रिकमेंड करूंगा, यही नहीं, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो मेरी या किसी और की भी, तो यार स्किप मत किया करो, क्योंकि जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट जो डिलीवर करते हैं ना हम लोग, उसमें पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग की चीज़ों से ही पता लग जाए कि वीडियो के अंदर क्या है। तो पूरी देखना हमेशा से मस्ट रही है, और अगर आप 15 से 20 मिनट एक वीडियो के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना ज़रूर पता लगेगा कि ये जो सिस्टम है आपको यूज़ करना है या नहीं करना। इन फ्यूचर अगर आपके सामने कभी भी आता है सिस्टम, तो आपके सामने जो इमेज रहेगी इस सिस्टम को लेके, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर रहेगी। तो आई मस्ट से कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके गाइज, वी गॉट द सिग्नल, और इस बार भी सिग्नल मिला है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। भाई बिलीव नहीं होता, अभी तक हमें एक भी सिग्नल शायद अपवर्ड डायरेक्शन के लिए नहीं मिला है, सारे के सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। एक चीज बता देता हूँ, मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी है, बेसिकली जब हम यूज करते हैं पर्सनली, अगर हम यूज करते हैं जो हम सिनेरियो रखते हैं भाई इसका 7, 12 और 24 और 25, तो जब हम ये हमारी कस्टमाइज वैल्यू भी रखते हैं तो भी ये स्ट्रैटेजी ज़्यादातर सक्सेसफुल रहती है डाउनवर्ड ट्रेंड्स के लिए। अपवर्ड ट्रेंड्स के लिए ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो वही सेम चीज़ें इंप्लीमेंट की है एडवाइजरी सिस्टम के अंदर। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ज़्यादातर सिग्नल्स आपको मिलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए इस एडवाइजरी सिस्टम के साथ काफ़ी कम सिग्नल्स मिलेंगे अगर आप जाते हैं द मूविंग एवरेज स्ट्रैटजी के साथ। तो यहाँ पे इस ट्रेड की बात करते हैं तो फिलहाल हमारे हक में रिजल्ट्स नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड जा चुका है। और भाई इसी के साथ ये जो ट्रेड है वो भी जीत रहे के हमारे चांसेस हो जाते हैं बहुत ही लो, यानी बहुत ही कम। तो यार जिन लोगों की एक्सेप्टेशंस बहुत ज़्यादा थी एडवाइजरी ऑप्शंस को लेके, और वो भी द मूविंग एवरेज की जो सिंपल स्ट्रैटजी है उसको लेके, तो उनको काफ़ी ज़्यादा झटका लगा होगा। लेकिन अभी सिर्फ हमने 4 ट्रेड ली है और ये जो ट्रेड है 5th है, अभी हमारे पास पूरी 5 ट्रेड बाकी हैं। तो लेट्स सी कि क्या पता रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाए, क्या पता हम जो कॉइन उछाल रहे हैं, अभी हमने अभी हेड फेस देखा है, अभी हमारा टेल जो है वो आना बाकी है। तो भाई वीडियो के साथ रहो, देखते हैं कि क्या पता कुछ रिजल्ट्स इम्प्रूव होते हैं या नहीं होते। और अभी हमारे पास कितने सेकंड्स बाकी हैं, अभी हमारे पास बाकी हैं 8 सेकंड्स एंड ओहो भाई भाई यहाँ पे 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड एंड 1 एंड गॉन। भाई कैसे गई ये ट्रेड, बहुत ही सेकंड्स के डिफरेंस से गई है। और यहाँ पे अभी हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो है 5, टोटल ट्रेड्स हमारी हो चुकी हैं 5, जिसमें से 4 OTM एंड 1 ITM, ठीक है, मतलब 1 विनिंग ट्रेड एंड 4 OTM ट्रेड, यानी लूजिंग ट्रेड। चलिए नेक्स्ट सिग्नल को ढूंढते हैं। ओके गाइज, वी गॉट द सिग्नल, और अभी हमें जो सिग्नल मिला है वो मिला है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, और हमने जो है सिग्नल प्लेस कर दिया है। सेम अमाउंट है $100 की, और लेट्स सी कि क्या होता है। हमारी जो करेंसी है वो भी सेम है, ऑड NZD। ओके लेट्स सी कि क्या होता है। और भाई काफ़ी टाइम बाद हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद लग रही है इस ट्रेड के अंदर, बिकॉज रेड कैंडल स्टार्ट हो गई है और अपने पीक से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि शायद ये पॉसिबल है विनिंग ट्रेड, बट लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, और अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटजी की, द मूविंग एवरेज भाई बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, और अगर काम कर भी रही है तो एडवाइजरी के साथ बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो यार मुझे कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है ये सिस्टम। एंड अभी हमारे पास जो सिग्नल्स बचे हैं टोटल जो हमें लेने हैं वो 4 और बाकी हैं। फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो ट्रेड है वो इन बिटवीन है, मतलब
जब तक ट्रेड का लास्ट सेकंड नहीं होता हम कुछ नहीं कह सकते, इन द लास्ट सेकंड में भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास अभी 44 सेकंड्स लगभग बाकी हैं, ओके 55 सेकंड्स हैं, और देखेंगे यहाँ पे पूरे लाल ही लाल चीजें दिख रही है आपको, ठीक है, ओके। क्योंकि यार अभी हम जितनी ट्रेड्स हैं ऑलमोस्ट सारी हारे हैं, सिर्फ एक ट्रेड को छोड़ दिया जाए तो, और ये ट्रेड मैं अपनी मन से नहीं ले रहा हूँ भाई, ये सारी ट्रेड ले रहा हूँ एडवाइजरी ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो भाई अनलिमिटेड को कहीं ना कहीं कहूंगा कि आपके अपने सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट्स की जरूरी है, इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, और अगर आपको ये फीडबैक पहुंचता है तो जरूर इंप्रूव करें यार अपने सिस्टम को। ऐसा कैसे चलेगा, अगर आप 5 ट्रेड में से 2 ट्रेड जिताओगे तब तो काम चल भी जाएगा, बट अगर आप 6 में से सिर्फ 1 ट्रेड जिता रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि फिर लोग आपके इस एडवाइजरी सिस्टम को यूज करेंगे, और काफी हद तक जो आउटकम है वो यही निकलता हुआ आ रहा है। देखते हैं कि क्या होता है। ओके, लगता है उन्होंने मेरी बात सुन ली है, उन तक मेरी बात पहुंच चुकी है मुझे ऐसा लगता है। जैसे ही मैंने कहा कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा तो कान खुले ही थे अनलिमिटेड वालों के, और उन्होंने मेरी बात सुन ली है और फिर भी हरा दिया। भाई कितने नकटे लोग हैं यार, कितने नकटे लोग हैं, फिर भी हरा ही दिया है। ओके ओके ओके, हमें एक और सिग्नल मिल गया भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, मैंने पुट कर दिया है $100 अगेन भाई। मुझे डायरेक्टली वो सिग्नल मिल गया था शायद एक ही साथ में, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी तक का हमारा ओवरऑल रिजल्ट है 5 OTM एंड 1 ITM, दैट्स इट। बहुत डिसअपॉइंटिंग है कहा जाए तो। मुझे इतनी उम्मीद थी इनके सिस्टम से कि भाई कुछ तो विनिंग होगी, लेकिन यार मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मूविंग एवरेज इतनी खास काम नहीं कर रही है, और द प्रोफेशनल MACD की बात करता हूं तो काफ़ी अच्छी हद तक काम कर रही है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, और इनकी जो बाकी सारी स्ट्रेटजीज है वो भी काफ़ी अच्छी काम कर रही है, लेकिन उनके लिए भी एक्सपर्ट लेवल का टैग चाहिए, एडवांस लेवल का टैग चाहिए, ठीक है। तो जो गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए हैं ट्रेडिंग के लिए, द 7 गोल्डन रूल्स, जिसमें है एक आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं काफी मैटर करता है यार। आप देखेंगे कितने फ्लक्चुएशंस हैं, तो यार जब आपके पास इतने फ्लक्चुएशंस हैं तो सिग्नल दे ही क्यों रहे हो यार, आप लोगों को ये क्यों मजबूर कर रहे हो अपने सिग्नल्स लेने के लिए, आप खुद ही सिग्नल दे रहे हो और उसमें से भी इतनी बेकार बेकार सिग्नल्स, तो क्या करेंगे फिर लोग यार। मतलब मैं क्या बोलूं, आप मुझे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार ओलिम ट्रेड के लिए। मतलब एडवाइजरी सिस्टम लेके आ गए लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं है सिस्टम के अंदर, 8 में से 7 में से तुम 6 ट्रेड हरा रहे हो, तो फिर भाई तुम्हारी ट्रेड लेके तो बंदे बर्बाद हो जाएंगे, इससे अच्छा तो खुद ही दिमाग लगा के ट्रेड ले लें। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई अपना जो दिमाग है ना उससे बेटर वेपन कुछ नहीं है। अगर ट्रेड लेनी है तो किसी के सिग्नल को फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद काफी हो। चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। हमारे पास बचा है 1 सेकंड, तो अब हम काउंट करते हैं हमारे रिजल्ट को, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल हमने 7 ट्रेड ली है जिसमें से 6 OTM है यानी लूजिंग ट्रेड है और सिर्फ 1 विनिंग ट्रेड है। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है। अब हम वेट करते हैं नेक्स्ट सिग्नल का। ओके गाइज, वी गॉट द सिग्नल एंड अगेन फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार इनके डाउनवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओलिम ट्रेड का जो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है जो ये इंप्लीमेंट कर रखे हैं अपने एडवाइजरी सिस्टम के साथ, उसके साथ आपको ज़्यादातर डाउनवर्ड डायरेक्शन के ही सिग्नल्स मिलेंगे भाई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर चुका हूँ यार। मतलब आपको पता है कोई भी चीज़ जब नहीं आती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है उस चीज़ को देखने में, टेस्ट करने में, कि आप लोगों तक उस चीज़ को कैसे पहुँचाऊँ, किस वे में पहुँचाऊँ। अगर अच्छी है तो उसका एक प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होगा, और अगर अच्छी नहीं है तो सीधा बता दो भाई ख़राब है। लेकिन ख़राब बताने में और प्रूफ करने में मज़ा अलग आता है। यहाँ पे मैंने अपना $800 का लॉस ज़रूर कर लिया, $700 का अभी तक लॉस कर चुका हूँ, और आने वाले टाइम में पता नहीं शायद और भी लॉस करूँ, लेकिन मुझे पता है इस वीडियो को आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे, जो कि काफ़ी है मेरे लिए। और जितने सारे यूज़र्स हैं ओलिम ट्रेड यूज़ करते हैं उन लोगों को एटलीस्ट पता लगे कि वो लोग जो यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी एडवाइजरी वाली वो किस हद तक सक्सेसफुल है और किस हद तक नहीं है। क्योंकि आज की वीडियो में पूरी की पूरी 10 ट्रेड लेके हम दिखाएंगे। यहाँ पे मुझे लगता नहीं इसके बाद आपको और ज़रूरी है कि भाई और ट्रेड लेंगे आप, ठीक है। 10 ट्रेड का मतलब बहुत होता है। $1,000 हमने इन्वेस्ट कर दिए इनके एडवाइजरी सिस्टम पे, अगर अच्छा होता तो अच्छे रिजल्ट्स हमें ज़रूर मिलते हैं, बट अभी तक के रिजल्ट्स को मैं कहूँगा कि बहुत ही बेकार है। हाँ, बहुत ही बेकार रिजल्ट्स हैं, और लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हमारे पास ये ट्रेड अभी ओपन है और 25 सेकंड्स बाकी हैं अभी। ओके, लेकिन यार मैं फिर भी अभी कुछ नहीं कह सकता इस ट्रेड के बारे में, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं रहा है द मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी पे। क्योंकि
इनके एडवाइजरी सिस्टम पे, द मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी पे हालांकि मुझे विश्वास है, लेकिन इनके एडवाइजरी सिस्टम पे नहीं है। क्या पता लास्ट सेकंड में चली जाए ऊपर और फिर से मेरे $100 लग जाएं। ओके, तो भैया ये ट्रेड हम विन कर गए हैं, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट सिग्नल। ओके, हमें नेक्स्ट सिग्नल भी मिल चुका है और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, इतने सारे सिग्नल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहे हैं जिनमें से हम जीत रहे हैं सिर्फ एक आधा। चलिए ओवरऑल रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने आज जो ट्रेड ली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमने ले ली है 8 ट्रेड्स। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिसमें से हम विन किए हैं ओनली 2 ट्रेड्स और हम लॉस किए हैं 6 ट्रेड्स। और अभी जो हमारी ट्रेड चल रही है वो 9th नंबर की ट्रेड है। ओके, और अभी हमारा रिजल्ट रहा है 2:6, यानी 2 विन एंड 6 लॉस। एंड देखते हैं ये ट्रेड हमारी किस डायरेक्शन में जाती है। सो गाइज, एक और हमें सिग्नल मिल चुका है, वो भी मिला है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, मैंने पुट कर दिया है। गाइज यार एक बात बताऊं आपको, ये जो चैनल है ना, ये आपको सच दिखाएगा इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। अगर कोई गलत है ना तो गलत ही बताएगा, अगर कोई अच्छा है तो उसे अच्छा ही बताएगा। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो ना तो भैया वेलकम है टेक्निकल अभी यूट्यूब फैमिली में आपका। और अगर आपने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो यार अभी हो जाओ। और एक चीज बता देता हूं, अगर कोई चीज गलत होती है ना तो उसको मैं प्रूफ के साथ आपको गलत दिखाऊंगा, अगर कोई चीज सही होती है तो उसको प्रूफ के साथ सही दिखाऊंगा। तो यार आईना देखना है ना ट्रेडिंग का, चाहे वो बैनरी हो, फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, ठीक है। ये चैनल ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे हर एक ट्रेड हमने ली है $100 की, जबकि मुझे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट पता था कि क्या होने वाला है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स ली हैं सिर्फ आप लोगों तक चीज़ें सही पहुँचाने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई चीज़ें ऐसी होती है। तो एक ट्रेड हम जो है नो लॉस नो प्रॉफिट पे क्लोज किए हैं और दूसरी ट्रेड अभी हमारी चल रही है वो भी नो लॉस नो प्रॉफिट पे चल रही है। भैया ऑलिम ट्रेड वाले पता नहीं क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता क्या चाहते हैं। मुझे लगता है इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है, इस वीडियो पे जाते हैं 1000 लाइक्स, वो भी विद इन 24 आवर्स, जैसी वीडियो अपलोड होती है उसके 24 घंटे में अगर 1000 लाइक पहुंच जाते हैं तो ज़रूर आपका जो फीडबैक है यूज़र्स का वो मैं ऑलिम डेट तक ज़रूर पहुंचाऊंगा इस सिस्टम से रिगार्डिंग, कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की अभी ज़रूरत है। और इम्प्रूवमेंट्स के बाद हालांकि अगर सिस्टम सही होता है तो मैं आपको वापस रिव्यू देके बताऊंगा इन ट्रेड्स लेके बड़ी बड़ी, जहां पे हम $500 की ट्रेड लेंगे उसके बाद। तो स्टे ट्यून विद अवर चैनल। और ये काफ़ी नीचे बन चुकी है कैंडल और एक और सिग्नल हमें मिल चुका है, लेकिन अभी फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आज की जो ट्रेड्स हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। जैसा कि 10 ट्रेड का मैंने आपसे वादा किया था, 100 डॉलर की ट्रेड हमने ले ली है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो भैया यहां से देखेंगे आपने, हमने 10 ट्रेड ली हैं, पहली ट्रेड हमने विन की थी, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली 5 ट्रेड हमने लॉस की है, उसके बाद कंटीन्यूअसली सॉरी 5 भी नहीं 6 ट्रेड हमने लॉस की है। तो यहां पे पहली ट्रेड हमने विन की थी, उसके बाद कंटीन्यूअसली 6 ट्रेड हमने लॉस की है, उसके बाद 7वीं विन की है, यानी कि 8वीं जो ट्रेड है हमारी, और 9वीं ट्रेड हमारी ड्रॉ रही है और लास्ट ट्रेड हमने विन की है। मतलब ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं तो 6 OTM यानी 6 लूजिंग ट्रेड और 3 ITM यानी 3 विनिंग ट्रेड और 1 ड्रॉ, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा जो आपको रिकमेंडेशन रहेगा वो ये रहेगा कि भैया ये जो एडवाइजरी सिस्टम है ये मज़ा नहीं आया यूज करके, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी यूज़ करो, ठीक है। बाकी हर किसी की सोच अलग होती है, थॉट प्रोसेस अलग होता है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बल्कि मैं तो नहीं करूँगा इसे यूज़, मुझे तो मज़ा नहीं आया भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप 50-50 रिजल्ट्स भी देते हो तो भी मैं एक बार सोचूं यूज़ करने की, लेकिन इतना बुरा रिजल्ट क्यों मैं यूज करूं, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूं यार वीडियो पसंद आई होगी। ओके गाइस, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।